आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। सरकारी राशन वितरण में घटतौली व अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी ने जिले के सभी SDM व तहसीलदारों के नेतृत्व में कोटेदारों के वहां करवाया छापेमारी की कार्यवाही। जांच में पाई गई कई तरह की अनियमितता, जिलाधिकारी ने कहा, घर घर सर्वे कराकर रिपोर्ट के आधार पर कोटेदारों के खिलाफ की जाएगी कार्यवाही। जाँच अभी भी है जारी। सरकारी राशन वितरण में घटतौली की शिकायत मिलने पर DM के निर्देश पर SDM सदर कुलदीप मीणा ने तहसील सदर के 2 गांव के कोटे पर मारा छापा। मशीन से मिलान में पाई गई राशन वितरण में कमी, कहा, नागरिकों के बयान के आधार पर की जाएगी आगे की कार्यवाही। गोरखनाथ थाने पर SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने लगाया पुलिस चौपाल, कहा, पुलिस चौपाल में 21 थानों पर आए कुल 163 मामले, 52 मामलों का मौके पर किया गया निस्तारण, 33 मामलों में जांच के दिए गए निर्देश। चौदह मई को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक वादों के निस्तारण कराए जाने के उद्देश्य से जनपद न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में बीमा कंपनियों के नोडल अधिकारीगण एवं अधिवक्तागणों के साथ बैठक हुई संपन्न। दिए गए अधिकाधिक मामलों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराए जाने के निर्देश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में 9 मई से 18 मई तक सभी ब्लॉकों पर शिविर लगाकर दिव्यांग जनों को कृत्रिम अंग सहायक उपकरण का किया जाएगा वितरण। जिलाधिकारी ने कहा, शिविर में सरकार के द्वारा चल रही योजनाओं का भी दिव्यांग जनों को दिया जाएगा लाभ। पूर्वांचल निधि सांसद विधायक निधि PMGSY त्वरित आर्थिक विकास कार्यों का जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने विकास भवन के सभागार में किया समीक्षा बैठक। अधिकारियों को कार्यों को बरसात से पहले पूरा कराने के लिए दिए निर्देश। सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित 18 गांवों के कार्यों की CDO इंद्रजीत सिंह ने की समीक्षा बैठक। कार्यों को जल्द पूरा कराने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। जनपद में 4 मई से 18 मई तक चलने वाले आयुष्मान कार्ड पखवाड़े का CMO ने नई बाजार के रहने वाले 62 वर्षीय अमरजीत यादव के आयुष्मान भारत के कार्ड को वेरीफाई कर योजना का किया शुभारंभ। DM ने किया निर्देशित, कहा, जितने भी लोग पात्रों की सूची में हैं उनका जल्द से जल्द बनाया जाए आयुष्मान कार्ड। बुधवार पुलिस आपके द्वार के तहत SPCT कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कैंट थाने पर लगाया पुलिस चौपाल, सुना फरियादियों की फरियाद, विभिन्न मामलों के संबंधित अधिकारियों को जांच कर निस्तारण के दिए निर्देश। और निर्माणाधीन गोरखनाथ थाने का SSP डॉक्टर विपिन ताडा ने किया औचक निरीक्षण, कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के लिए संबंधित ठेकेदार को दिए निर्देश।